हेलो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को सीजी टेट के सेकेंड पेपर के यहाँ पर अंग्रेजी के यहाँ पर मॉडल आंसर बताया जाएगा जो संभावित होगा। अगर आपको लगता है कि क्यों क्वेश्चन गलत है तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हालांकि मैंने इंटरनेट से बहुत ढूंढ कर इसका आंसर निकाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 61 है। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज इक्विजिशन इज टू। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। यहाँ देख सकते हैं जनरेट ग्रामर रूल्स। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 62, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू। तो इसका आंसर आ जाएगा 62 का डी, डिफिकल्टी इन एक्विजिशन। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, द डिंग डोंग थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज वॉज एडवोकेटेड बाई। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, मैक्स मूलर। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 64, ब्लैक बोर्ड पोस्टर फ्लैश कार्ड प्रिंटेड टेक्स्ट बुक ग्राफ्स एंड इन्फोग्राफिक्स आर डिफाइंड अस। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, विजुअल एड्स। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 65 यहाँ देख सकते हैं, रिमीडियल टीचिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 65 का ऑप्शन ए, टू प्रूव एडिशनल हेल्प टू द स्टूडेंट हु आर स्लो एट लर्निंग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 66 देख सकते हैं, विच थ्योरी ऑफ लैंग्वेज इक्विजिशन सेज दैट द एनवायरनमेंट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन इक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। द चाइल्ड इज अ पैसिव रिसिपिएंट ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस फ्रॉम पेरेंट्स सिबलिंग्स एंड अदर्स। तो दोस्तों इसका आंसर 66 का आंसर आएगा ऑप्शन डी, सोशल इंटरेक्शन मॉडल। नेक्स्ट चलते हैं 67। यहाँ देख सकते हैं, इंग्लिश बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पर बताना है इंग्लिश किस फैमिली से बिलोंग करता है, ओरिजिन कहाँ हुआ। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, इंडो यूरोपियन। नेक्स्ट चलते हैं 68। यहाँ पर देख सकते हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर नोन अस। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए, मॉडर्न स्किल्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69, व्हेन यू स्पीक टू प्रूव योर पॉइंट अदर देन योर स्पीच। तो इसका आ जाएंगे ऑप्शन डी, पर्सुएसिव। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17, चिल्ड्रेन इनिशियली प्रोसेस एंड सब्सिक्वेंटली डेवलप एन इनेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर रेस। दिस इनिट ग्रामर सिस्टम इज नेम्ड बाई चॉम्स्की अस। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 70 का ऑप्शन बी, यूनिवर्सल ग्रामर। यहाँ पर देख सकते हैं पैसेज दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो क्वेश्चन 71 to 80। चलिए देखते हैं 71। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 71, Why did the educated of those days had recourse the English language and literature? तो दोस्तों 71 का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, द लर्निंग स्कोप वॉज लिमिटेड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, द विक्टर वुड ऑफ हिज ओन पेव द पथ ऑफ फ्रीडम ऑफ फ्रीमेंसी द रीजन फॉर दिस बिलीफ वॉज। इसका आंसर 72 का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड प्रोवाइडेड शेल्टर टू ऑल दोज हु हैड द फ्ली फ्रॉम प्रेजेंशन इन देयर ओन कंट्री। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। दोस्तों 73 का मुझे आंसर नहीं मिला, तो अगर आपको पता है तो इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देख सकते हैं, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड लिबरलिज्म। तो इसका आंसर आ जाएगा 74 का ऑप्शन सी, एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 75, हु एमंग देम इज़ नॉट रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर। तो इसका आंसर आ जाएगा 75 का ऑप्शन सी, मैकलरी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ गिव द सिनोनिम्स ऑफ डीप। यहाँ पर डीप का समानार्थी शब्द बताना है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफाउंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, यहाँ देख सकते हैं, वाट हेल्प द इंडियंस टू कंसीव ऑफ द नोशन ऑफ इंग्लिश मैन। तो 77 का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, देयर लिटरेचर। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 78, हु कुड रीड एंड गेन फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन ए, द एजुकेटेड इंडियंस। 79 देखते हैं, फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ गिव एन एंटोनिम्स ऑफ हर विक्ट्रीज। विक्ट्रीज के यहाँ पर विलोम शब्द बताना है, तो इसका आ जाएगा 79 का आपका बी, वेनिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, हुज स्पीचेस डिड टैगोर लिसन टू अ बॉय। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन सी, जॉन ब्राइट।
यहाँ पर देख सकते हैं, रीड द पोएम एंड आंसर 81 to 85, पोएम पढ़ के यहाँ पर आंसर देना है। चलिए देखते हैं, इफ द एज रिप्रेजेंट पेरेंट्स यूथ वुड रिप्रेजेंट, तो दोस्तों यहाँ पर 81 का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी चाइल्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज द पोएट मीन बाय यूथ इज समर ब्रेव, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी एडवेंचरस एंड एनर्जेटिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, यहाँ पर देख सकते हैं, एज इज लाइक विंटर बेयर, व्हाट डज द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे बाई विंटर बेयर, तो दोस्तों इसका आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए स्पेंडिंग लाइफ लेवेसली। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, 84 देख सकते हैं, गिव द इंटरनेट ऑफ द वर्ल्ड निम्बल, निम्बल के यहाँ पास विलोमनार्थी शब्द बताना है, तो यहाँ पास 84 का आ जाएगा आपका ऑप्शन ए ब्राइट। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 85, गिव द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड टेम, टेम का समानार्थी शब्द बताना है, ऑप्शन ए सबड्यूड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, विच वन ऑफ दिस इज नॉट द एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग डिसेबल्स, तो 86 का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ही इज़ नॉट फाउंड पुअर इन टेक्निकल प्रोफेशनल सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, एन इंक्लूसिव क्लासरूम शुड, और इसका आंसर आज देख सकते हैं, डिफाइन क्लियर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू ऑल चिल्ड्रन, इसका आ जाएगा ऑप्शन डी, इफ वन इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स आर, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर आ जाएगा सी, लिसनिंग एंड रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। 89 देखते हैं, 89 के यहाँ पर देखना है, जोड़ी मिलाइए यहाँ पर, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, चलिए देखते हैं, 89 का आ जाएगा आपका ए, और 90 चलते हैं लास्ट देखते हैं इंग्लिश का, विच ऑफ दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सप्रेसिव प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल, तो इसका आ जाएगा 90 का डी स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो दोस्तों इसमें दिया हो तो इसका आगे का पार्ट भी मैं बनाऊंगा, तो इस हमारे चैनल पर बने रहिए, थैंक यू सो मच।